किया कि बार एक राजस्थान सरकार द्वारा किसान कुछ भी गिरदावरी आपका खेत सुख कर सके जिसको एक फाइनल किसान गिरदावरी उसी का बारे में हम जानते हैं। सभी सबसे पहले प्ले स्टोर एक ऐप आता है मोबाइल का, उसमें जाना है और वहाँ पे उसमें जाकर किसान गिरदावरी ऐप इस नाम से एक ऐप है उसको इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर में जाओ और वहाँ पे किसान गिरदावरी ऐप को इंस्टॉल करो। उसके बाद में उसको इंस्टॉल करने के बाद में उसमें जन आधार है वो आपको एंटर करना है। सबके पास है जन आधार, जन आधार जैसे ही एंटर करेंगे उसके बाद में वो ऐप खुल जाएगा और उसकी स्थिति ऐसी होगी जैसे ऐप है उसको जिसके पास भी फोन है देख सकते हैं इंस्टॉल करके। उसके बाद में फसल विवरण जोड़े एक ऐप में सबसे ऊपर इंस्टॉल करने के बाद में आएगा फसल विवरण जोड़े। जैसे ही फसल विवरण जोड़े उसमें एंटर करेंगे तो इस प्रकार से खुल जाएगा। एक तरफ आएगा जन आधार से जुड़े कसरे और दूसरी तरफ आएगा कसरा सर्च करें। तो आपको कसरा सर्च करें उसमें जाना है और उसके बाद में जो भी आपका जिला है वो सिलेक्शन करना है। इसमें डीडवाना कुचामन नहीं खुलेगा, अभी नागौर है वहीं से खुलेगा नागौर। उसके बाद में तहसील है मकराना वो सर्च करनी है। उसके बाद में अपना जो भी गांव है पटवार है और आरआई सेक्टर है जैसे यहाँ का बूढ़सू आरआई सेक्टर है और बूढ़सू पटवार मंडल है तो वो इस प्रकार से बूढ़सू 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 खुल जाएगा। उसके बाद में आपको कसरा नंबर एंटर करना है जो भी कसरा है उसको जैसे सर्च करेंगे खोजेंगे तो ऑटोमेटिक ही वो आपको कसरा है आगे प्रेषित हो जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो ऑटोमेटिक लोकेशन के हिसाब से अगर आपकी लोकेशन उस कसरे में नहीं है तो ये स्वतः ही बता देगा कि आप जैसे अभी मैंने 306 एंटर किया वो कसरे से 324 मीटर दूर है तो ऑटोमेटिक ये बता देगा कि आप है उस कसरे से इतनी दूर। जैसे ही कसरे में जाएंगे ऑटोमेटिक ही मतलब जिस कसरे में जिस खातेदार का नाम होता है वो खुल जाएगा। जो भी खातेदार है उन सबके नाम आ जाएंगे उसमें तो उसको जैसे आगे प्रोसेस करेंगे तो फसलों का विवरण जैसे उसमें आएगा कि क्या फसल बोई है तो क्या फसल बोई है उस पर ओके करेंगे। ओके करते ही आएगा एक फसल है या एक से अधिक फसल है तो आपको चॉइस जैसे उस पूरे कसरे में मान लो बाजरा है तो आपको एक पे क्लिक करना है और उस फसल में मान लो उस कसरे में एक से ज्यादा फसलें हैं मूंग भी है बाजरा भी है ग्वार भी है तो आप एक से अधिक क्लिक करेंगे। एक से अधिक क्लिक करते हैं आपके बाद में फिर ऑप्शन खुल जाएगा कि कौन सी फसल है तो आप उसमें सिलेक्ट करेंगे जैसे बाजरा है बाजरा में सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद में उसमें डिटेल मांगेगा कि बाजरा कितने बीघा में। अब यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाली बात है कि पूरे कसरे का विवरण मांग रहा है। एक ही कसरे में 5, 10, 15 खातेदार हो सकते हैं लेकिन उसमें ये नहीं है कि जैसे मेरे तो उस 15 बीघा में मान लो कसरा 15 बीघा का है उसमें 3 बीघा इनाम है तो 3 बीघा की गिरदावरी करनी ये नहीं करनी। ये भूलवश अभी आरआई साहब बता रहे थे कि पहले इस प्रकार से करती थी तो किसान भाई से यही कहना है कि वो पूरे कसरे की करनी है 15 बीघा है पूरा तो 15 बीघा की करनी है। अब जैसे मान लो कि 5 बीघा बाजरा है 5 बीघा मूंग है 5 बीघा ग्वार है तो सबसे पहले बाजरा को सिलेक्शन करो। इसमें हेक्टेयर में है माप, यहाँ पे लगभग 6 बीघा का एक हेक्टेयर माप है तो एक हेक्टेयर में 6 बीघा होती है तो मान लीजिए अपने 5 बीघा है तो लगभग 0.80 हेक्टेयर अपन को उसमें एडिट करना है बाजरे की तो हो गई 5 बीघा हो गई। उसको जैसे ही सिलेक्शन करेंगे उसके बाद में वो फोटो मांगेगा ऑटोमेटिक कि आप जहाँ खड़े हो फसल की फोटो अपलोड करो तो फसल की तरफ आप उसका फोटो लेंगे ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। अगर हम उस कसरे में है तो ही होगी वो फोटो। उसके बाद में जैसे अपलोड कर दी उसके बाद में बुआई की तारीख पूछता है तो लगभग 2 माह के पहले अपने बुआई की थी वो डेट डालेंगे और आगे ओके कर देंगे। दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा कि दूसरी फसल क्या है ग्वार एडिट करो वही एंट्री करो वैसे ही फोटो लो उसके बाद में आगे बढ़ जाओ। तीसरी फसल डाल दो मूंग है तो मूंग डाल दो वैसे एडिट करो वैसे ही फोटो डालो आप ही और एडिट करके बाद में ऑप्शन खुलेगा एक प्रीव्यू का जिससे देख सकते हैं कि हमने क्या क्या फसल डाली है उसमें। तो उसके बाद में जैसे उसमें एंट्री करेंगे तो जैसे उसका प्रीव्यू है उसमें ऑप्शन देख लेंगे हमने बाजरा कितना बीघा में किया मूंग कितना किया है और उसको ओके कर देंगे। ओके करते ही वो जैसे भी रिपोर्ट है आपकी किसान की उस कसरे की गिरदावरी को मेरे पास आ जाएगी तो मुझे क्या है उसको ठीक है। अगर कोई शंका रहे भाई किसान ने सही नहीं किया तो उसको देख लो पूछ लो वरना मैं वेरीफाई कर लूंगा उच्च स्तर पर चले जाएगी और ये डिजिटल प्रक्रिया है ये अपना ये रास्ता।
तो मेरा यही अनुरोध है यहाँ से कि ज्यादा से ज्यादा मेरा नंबर है जैसे मैंने सरपंच साहब को शेयर किया है, आप भी सभी ले लो और कोई भी समस्या आए तो ऑनलाइन पूछ लो। और आज के टाइम में मेरे हिसाब से हर घर में फोन है, जैसे वहाँ जाओ इंस्टॉल करो और जो भी समस्या अगर समझ में नहीं आ रही है तो मुझे पूछो तुरंत, और तुरंत वहाँ से जाके और किसान सभी है ये गिरदावरी कर सकते। नंबर बताओ, कंट्रोल था नंबर बता दो।